सर्दी बढ़ने के साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं, जिससे निपटने के लिए यमुना प्राधिकरण ने बड़ा फैसला किया है। अब यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति को 2 महीने के लिए कम करने का निर्देश जारी हुआ है। यानी इन दिनों अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार से वाहन चलाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यमुना एक्सप्रेसवे पर 15 दिसंबर 2023 से लेकर अगले 15 फरवरी 2024 तक हल्के और भारी वाहनों की गति में कमी की गई है, ताकि एक्सप्रेसवे पर होने वाले हादसों पर लगाम लगाई जा सके। बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा के परिचौक से लेकर आगरा तक 165 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नोएडा और दिल्ली के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। ऐसे में अलीगढ़, मथुरा, आगरा, एटा, मैनपुरी जाने के लिए इस एक्सप्रेसवे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पूर्वांचल और लखनऊ की तरफ जाने वाले लोग भी इसी एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ एक्सप्रेसवे तक जाते हैं। ऐसे में एक्सप्रेसवे काफी अहम हो जाता है। इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण हादसे भी लगातार बढ़ रहे हैं और लोग तेज रफ्तार के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। खासकर हर साल सर्दियों में कोहरे की वजह से हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इन्हीं हादसों को रोकने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर सर्दियों में वाहनों की गति सीमा को कम करने का फैसला किया गया है। हर साल हम लोग करते हैं, जब सीजन में 15 दिसंबर से 15 फरवरी जो है वो रफ्तार 80 किलोमीटर कर दी जाती है छोटे वाहनों के, और बड़े वाहनों के 60 किलोमीटर कर दी जाती है। और इसका साथ साथ इनको ट्रेन करने के लिए जो है अनाउंसमेंट भी होता है, पंपलेट बांटे जाते हैं, रात में चाय इनको पिलाई जाती है, इसके अलावा फॉग लाइट यूज करने को कंपलसरी कर दिया जाता है, और इस तरह के एंटी फॉग गन्स का भी यूज होता है जिससे कि रास्ता इनको दिखाया जा सके। तो सारे उपाय जो हर वर्ष किए जाते हैं इस बार भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसे अब अगले 15 फरवरी तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा किया गया है। वहीं भारी वाहनों की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसे कम करते हुए 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया है। प्रशासन का मानना है कि वाहनों की रफ्तार कम होगी तो हादसों में भी कमी आएगी, जिससे लोगों की जान नहीं जाएगी। आपको बता दें कि हर साल यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसों को रोकने के लिए ठंड के मौसम में प्रशासन वाहनों की गति को कम कराते हैं। बकायदा वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए अनाउंसमेंट भी कराया जाता है और पैम्पलेट भी बांटे जाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी वाहनों की रफ्तार अगले 2 महीने के लिए तय कर दी गई है, ताकि हादसों को कम किया जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए नोएडा से गौरव गौड़ की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।